नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम के 2.1 जो कि लेटेस्ट रिलीज है उसमें मल्टी वाउचर प्रिंट के ऑप्शन का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और इनवॉइस पे हम डिजिटल सिग्नेचर का जो यूज है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो दोस्तों, जो टेली प्राइम का 2.1 जो रिलीज हुआ है टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से, उसमें डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद में मल्टी वाउचर प्रिंट का ऑप्शन है और इसके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एडिट लॉक का। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है टेली प्राइम में एडिट लॉक का, यानी कि ऑडिट ट्रायल, जो कि 1 अप्रैल 2022 से कंपनियों के लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है भी हम ऑडिट ट्रायल के फीचर्स को टेली प्राइम के 2.1 के रिलीज में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जरूर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी वाउचर प्रिंट का ऑप्शन होता क्या है, मल्टी वाउचर प्रिंट, और इसके ऑप्शन को हम किस तरीके से इनेबल करेंगे। तो दोस्तों, सारी बातें आपके सामने हम लाइव और प्रैक्टिकली शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी वाउचर इनवॉइस फॉर ए सिलेक्टेड पार्टी, यानी कि मल्टी वाउचर का ऑप्शन का यूज। तो दोस्तों, मल्टी वाउचर का यूज कब और किसके लिए कंपलसरी होता है? तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर वहां पर आप यूज करते हैं और आपके पास जो कस्टमर आते हैं उसको आप कंप्यूटर, मतलब जो टेली सॉफ्टवेयर से जो इनवॉइस होता है वही जनरेट करके देते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज्ड बिलिंग आप कस्टमर को देते हैं। लेकिन कई बार कस्टमर हमारे से उस इनवॉइस की, डुप्लीकेट इनवॉइस की डिमांड कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने टेली सॉफ्टवेयर ऑन किया है और हम टोटल सेल वाउचर को ओपन कर लेंगे इसमें, तो आप देख रहे हो एग्जाम्पल के लिए हमने टोटल 7 इनवॉइस इशू किए हुए हैं। इस 7 इनवॉइस में से हमने 5 इनवॉइस एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को इशू किए और 2 इनवॉइस हमने केएस में इशू किए हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी ने आपसे दोबारा ये रिक्वायरमेंट कर ली भी आप हमें जनवरी मंथ के इनवॉइस है जो आप हमारे को दोबारा भेजो, हमारे से मिसप्लेस हो गए हैं, या जनवरी से लेकर मार्च तक आप हमें इनवॉइस है जो दोबारा भेजो। तो दोस्तों, इस तरीके की डिमांड अक्सर कंपनियों में आती रहती है इनवॉइस की। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपके कस्टमर है, उस कस्टमर को आपने 100 से ज़्यादा इनवॉइस है जो इशू कर चुके हो, अगर कस्टमर ने सारे इनवॉइस की इनवॉइस मतलब डिमांड वापस कर ली तो आपको 100 बार सेल इनवॉइस पे जाके आपको कमांड देनी पड़ेगी, देन आप एक एक उसको प्रिंट निकाल पाओगे। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं मल्टी वाउचर प्रिंट, यानी कि हम एक कमांड के साथ उस कस्टमर को जितने भी सेल इन्वॉइस किए हुए हैं वो इन्वॉइस की कॉपी सारी आ जाए। तो हम उसको डे बाई डे निकाल भी सकते हैं, आप हम उसको हम मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड का भी दे सकते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी से लेके और 15 जनवरी तक जितने सेल इन्वॉइस हुए वो उसी के प्रिंट चाहिए, तो हम पर्टिकुलर एक पीरियड भी उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम करना क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल के हम देख लिए देखते हैं कि हमारे पास 7 इन्वॉइस है, 5 एबीसी ट्रेडिंग कंपनी का और 2 केस में है। तो टोटल आप काउंटिंग भी यहाँ देख सकते हो, वाउचर नंबर के साथ 7 ही है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रिंट पे, अदर्स पर हम क्लिक करेंगे और अदर्स पे जाने के बाद हम जाएंगे मल्टी वाउचर पर। मल्टी वाउचर पर हम आएंगे, जैसे मल्टी वाउचर पर आएंगे कॉन्फिगर पर आपको जाना होगा और शो मोर पर सारे फीचर्स को ऑन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा वाउचर टाइप का, और वाउचर टाइप में हमें यहाँ से सेलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट, और हमें चाहिए सेल इनवॉइस। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है भी आप केवल सेल इनवॉइस का ही प्रिंट निकाल सकते हो मल्टी, आप कस्टमर के लिए सेल इनवॉइस है, चाहे उसका कोई डेबिट नोट है, चाहे उसका कोई क्रेडिट नोट है, चाहे उसकी कोई रिसिप्ट है, चाहे कोई जर्नल वाउचर है, कोई भी वाउचर आप निकाल सकते हो। हम पेमेंट पर इंटरप्रेस करेंगे तो आपके सामने ना सारी लिस्ट ऑफ वाउचर की आ जाएगी यहाँ पे, तो हमें करना है केवल सेल, तो हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे सेल को। देन उसके बाद ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा लेजर नेम का, और ऑल आइटम आपको दिखाई दे रहा है, आपको सभी को तो प्रिंट निकालना नहीं है, पर्टिकुलर एक कस्टमर का ही निकालना है। ऑल आइटम पर क्लिक करना है और लिस्ट ऑफ लेजर में से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप शो इनवॉइस की डिटेल आप साथ देना चाहते हो तो दे सकते हो,
पीरियड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि आपको जो प्रिंट देना है कब से लेके कब तक का देना है। तो इंटरफेस करेंगे तो यहाँ से आपको फ्रॉम और टू की डिटेल पूछेगा। अगर आपने पूरे साल का निकालना है तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 का पीरियड दोगे। अगर आपको फरवरी मंथ के ही इन्वॉइस देने हैं तो यहाँ से आप 1 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक आप डेट दे दोगे, और उसके बाद में हम कंट्रोल ए करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे और उसके बाद की डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। भी जो नेम ऑफ वाउचर रहेगा वो सेल का रहेगा, लेजर नेम ABC ट्रेडिंग कंपनी है, और पीरियड 1 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक जितने इन्वॉइस है वही इन्वॉइस होने चाहिए। प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देंगे और जूम हम करते हैं तो आप देख रहे हो 1 आ रहा है 2 फरवरी का, 6 नंबर इन्वॉइस है। स्क्रोल डाउन अगर हम करेंगे तो आप देख रहे हो भी फरवरी मंथ के अंदर ABC पार्टी का केवल हमें एक ही इन्वॉइस है जो शो हो रहा है। अब वापस हम डे बुक पे जाके देखते हैं भी फरवरी मंथ के अंदर कितने इन्वॉइस हैं। तो आप देख सकते हो कि इस 2 फरवरी का केवल एक ही इन्वॉइस है और जनवरी मंथ के अंदर काफ़ी सारी इन्वॉइस है। तो हम एक बार इसका जो पीरियड है वो जनवरी मंथ दे देंगे। वापस मल्टी वाउचर पे आएंगे, कॉन्फिगर पर आएंगे, पेमेंट की जगह हम यहाँ पर कर देंगे सेल वाउचर को, और ऑल आइटम की जगह हम पार्टी को हम सेलेक्ट कर देंगे कस्टमर को, और उसके बाद पीरियड हम देंगे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 22 तक का, और हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। प्रीव्यू हम देखेंगे और प्रीव्यू में आप देख रहे हो 1 2 3 4, यानी कि 4 इन्वॉइस आ रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करके हम देखेंगे भी फिलहाल आपके सामने 1 नंबर इन्वॉइस आ रहा है। मैं पेज डाउन करता हूँ, जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 नंबर इन्वॉइस है। तो यानी कि जनवरी मंथ के अंदर जितने भी इन्वॉइस है आप इसका सभी का 1 टाइम प्रिंट की कमांड दे सकते हो। तो जनवरी मंथ में जितने भी इन्वॉइस है सभी की सेल इन्वॉइस एक साथ है आपको प्रिंट हो जाएंगे। आपको एक एक सेल इन्वॉइस पे जाके पर्टिकुलर कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर्स बहुत अच्छा अपडेट हुआ है 2.1 के रिलीज में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। तो दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या हो गया, अभी तक हम जैसे कस्टमर को इन्वॉइस देते हैं तो ये केवल हमारे पास है इसी तरीके की एक ऑप्शन आ जाता है नीचे बना हुआ MS इंटरप्राइजेस का, तो यहाँ पर किसी टाइप का साइन नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आए। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब भी हमने कई बार कुछ जो हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर देखा होगा आपने भी इस तरीके का एक टिक मार्क लगा होता है, सिग्नेचर वैलिड होता है, इसी को हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो दोस्तों इस डिजिटल सिग्नेचर को हमें परचेज करना पड़ेगा, जो कि एक पेन ड्राइव डिवाइस की तरह होता है उसको हमें परचेज करना पड़ेगा। देन हमें उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद में जब भी हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद में आपसे यहाँ से भी एक रिक्वायर्ड पूछेगा डिजिटल सिग्नेचर। तो फिलहाल तो ये अभी नोट एप्लीकेबल दिखा रहा है आपको, जैसे ही वो डिजिटल सिग्नेचर आपके सिस्टम के साथ अटैच रहेगा तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल यहाँ पे दिखाएगा। तो अब जैसे हम इसको एप्लीकेबल करेंगे और इसके बाद में हम आस्क बिफोर साइनिंग इसको हम यस कर देंगे, तो जैसे ही हम यस करेंगे जो भी हमारे पास प्रिंट आएगा, जो भी स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट के ऊपर इस तरीके का एक वेरीफाई सिग्नेचर जरूर आएगा जिसके हम डिजिटल सिग्नेचर कह देते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन को हम टेली सॉफ्टवेयर में हमें सबसे पहले तो हमारे सिस्टम के अंदर उसको पेन ड्राइव की तरह जो हमारा डिवाइस आएगा डिजिटल सिग्नेचर का उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में टेली सॉफ्टवेयर इसको अपने आप यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे कमांड देंगे वो ऑटोमेटिक आपके इनवॉइस के ऊपर साइन जहाँ पर हम साइन करते हैं उस साइन की जगह आ जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो नए फीचर्स जो अपडेट हुए हैं 2.1 में वो आपको कितने यूजफुल लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।